सो लेट्स अज्यूम कि आपको एक गेमिंग सीपीयू लेना था एंड आपका जो बजट था वो अराउंड 10,000 रुपीस था। अब इस बजट में आपके पास यार ढेरों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फिर चाहे आप एएमडी की तरफ देख लो या फिर इंटेल की तरफ देख लो। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि यार उनको पता नहीं होता है कि इनमें से बेस्ट सीपीयू कौन सा होगा। एंड एक और मिसकंसेप्शन होता है कि भाई लोगों को यार सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि आपको करना क्या है सीपीयू के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को खाली गेमिंग करनी होती है, किसी किसी को यार एडिटिंग करनी होती है, किसी किसी को स्ट्रीमिंग भी करनी होती है। अब जो महान लोग बच जाते हैं ना हमारे जैसे, उनको भाई एक ऑलराउंडर सीपीयू चाहिए होता है। तो आप कौन से लोगों में से हो, महान लोगों में से हो या फिर आपको खाली एक काम करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो इस वाली वीडियो में आप लोगों को 5 ऐसे बेहतरीन गेमिंग सीपीयू के बारे में बताऊंगा जो कि आप लोगों को यार 10,000 के अंदर अंदर ही देखने मिल जाते हैं। एंड इनके ऊपर आप बेहतरीन लेवल की गेमिंग तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ में बाकी काम जैसे एडिटिंग एंड स्ट्रीमिंग भी कर पाओगे। सो मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विवेक एंड आप देख रहे हो हमारा टेक कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। पहली बार देख रहे हो हमारी वीडियोस को तो यार एकदम छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड घंटे को ऑल पे रख दो। एंड कोई गेमिंग पीसी, एडिटिंग पीसी या फिर स्ट्रीमिंग पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो तो आपका गेमिंग पीसी हमसे ही बनवा सकते हो। इंस्टा आईडी की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके मैसेज करके प्रॉपर डिस्कशन करके आप अपने लिए एक ब्रांड न्यू चमचमाता हुआ गेमिंग पीसी बना सकते हो। हम ऑल ओवर इंडिया शिप करते हैं। अब पहले सीपीयू की बात करूं तो ये इस लिस्ट का सबसे चीपेस्ट सीपीयू है, एकदम सबसे सस्ता सीपीयू है। ये है 10100F जो कि इंटेल का 10th जनरेशन का i3 प्रोसेसर है। अब ये वाला सीपीयू आपको अभी के टाइम पे मिल जाएगा 6300 के आसपास। अब लोग क्या करते हैं, जाते हैं इसी सीपीयू को लेके आ जाते हैं। अब देखो आपको ये वाला सीपीयू कंसीडर नहीं करना है, इसकी जगह आप 10105F ले लेना। इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्राइस डिफरेंस भी नहीं है। आपको 10105 मिल जाएगा अराउंड 6300 के आसपास सेम प्राइस में। बट यहाँ पे आप लोगों को जो बूस्ट क्लॉक्स है वो आपको मिल जाती है 4.4 गीगाहर्ट्ज़ की, जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा है अगर आप उसको कंपेयर करते हो 10100F से। ज़्यादा आप लोगों को ऐसे ह्यूज परफॉर्मेंस डिफरेंस तो नहीं देखने मिल जाएगा, बट ये 10100F से तो आपको थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस निकाल के देगा सेम प्राइस में। तो भाई 10100F को क्यों लेना। एंड एज यूजुअल आप लोग यार टेक कम्युनिटी के स्मार्ट व्यूअर हो तो आपको स्मार्ट चॉइस ही करनी है। यहाँ पे आपको 10105F लेना है, 10100F को छोड़ देना है। तो ये वाला सीपीयू उन लोगों के लिए है जिनको यार खाली बजट में रह के गेमिंग करनी है, मतलब आपको यार 6000-7000 के आसपास कोई गेमिंग सीपीयू लेना था, तब आप इसको ले सकते हो। अब इसके अंदर आपको माल मसाला क्या देखने मिलता है, यानी कि स्पेक्स की बात कर लेते हैं। क्वाड कोर सीपीयू है, 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स मिल जाते हैं। अप टू 4.4 गीगाहर्ट्ज़ की यार बूस्ट क्लॉक है जो कि कमाल है। मतलब अगर आप गेमिंग के लिए कोई सीपीयू ढूंढ रहे थे बजट में रह के, अंडर 7000 आपको कोई सीपीयू चाहिए था, ये सीपीयू आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके परचेस कर लेना। इसके साथ आप गेमिंग के साथ साथ हल्की फुल्की 1080p पे वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, फोटोशॉप जैसे काम करने थे वो भी कर सकते हो। बट ये वाला सीपीयू भाई स्ट्रीमिंग के लिए नहीं है, तो स्ट्रीमिंग के लिए अगर आपको कोई सीपीयू चाहिए था तो आगे वाले सीपीयू पे फोकस करो जो कि हमारा दूसरा सीपीयू। अब यहाँ पे इंटेल काफी सारे लोग एएमडी के फैन बॉयज भी होते हैं, तो अगर आपको एक ऐसा सीपीयू चाहिए था जिसके ऊपर आप स्ट्रीमिंग कर सको, एडिटिंग कर सको एंड गेमिंग कर सको, आपको एक ऑलराउंडर सीपीयू चाहिए था। एंड अगर आप एक एएमडी फैन बॉय हो तो आप ले सकते हो राइजन 5 3600। आप लोग सोच रहे हो कि भाई विवेक भाई कौन से सस्ते नशे करके आए हो यार, राइजन 5 36 तो 13-14 हज़ार का मिल रहा था। तो गाइज यहाँ पे ये वाली वीडियो जब आप देख रहे हो तो सेल चल रहा है अमेजोन के ऊपर, सेल में ये वाला सीपीयू आपको 11,900 में मिल रहा है एंड यहाँ पे 10% ऑफ भी है। तो 1200 रुपये आप SBI का कार्ड यूज करके और कम में ले सकते हो, यानी कि इस वाले सीपीयू को आप परचेस कर सकते हो 10,800-900 रुपीज में, जो कि इसको बना देता है वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर सीपीयू। इसके ऊपर आप भाई आप गेमिंग, एडिटिंग एंड स्ट्रीमिंग सारे काम कर सकते हो। तो आप अगर उन महान लोगों में से थे जिसको यार 10,000 के अंदर ही एक ऑलराउंडर सीपीयू चाहिए था, तो ये वाले सीपीयू को आप डेफिनेटली चेकआउट करना। एक हेक्सा कोर सीपीयू है, 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड देखने मिल जाते हैं, साथ ही साथ में साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे देखने मिल जाती है एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, मतलब ओवरऑल एक ऑलराउंडर बजट सीपीयू है। इसके साथ साथ आप एएमडी के सीपीयूस को ओवरक्लॉक भी कर सकते हो B450 वाले मदरबोर्ड में। तो डेफिनेटली अगर आपको एक फ्यूचर प्रूफ सीपीयू चाहिए था, ऑलराउंडर सीपीयू चाहिए था 10,000 के आसपास, तो 800 रुपये एक्स्ट्रा लगाओ, राइजन 5 3600 लेके आ जाओ, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। अब तीसरे सीपीयू की बात करें तो ये है एकदम डाई हार्ड गेमर्स के लिए। अगर आपको खाली गेमिंग से मतलब है, बाकी कामों से भाई हमको घंटा कुछ लेना देना नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो भाई खाली गेमिंग से लेना देना है, बाकी सारी चीजें जाए तेल लगाने, तब आप ये वाले सीपीयू को कंसिडर कर सकते हो। ये है इंटेल का i3 12100F सीपीयू, इंटेल के 12th जनरेशन में अब आप आ चुके हो एंड ये वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग सीपीयू है। अंडर 10,000 9400-9500 के आसपास मिल जाएगा, 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड देखने मिल जाते हैं। एंड इस वाले सीपीयू में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भाई इसके अंदर आपको DDR5 RAM सपोर्ट भी देखने मिल जाता है। बट अगर DDR5 RAM आपको महंगे लगते हैं, जो मदरबोर्ड से वो भी महंगे आते हैं, तो आप DDR4 वाला RAM भी यूज कर सकते हो, जो कि यार
कमाल की बात है ना, कमाल की बात। एंड यहाँ पे DDR4 रैम आप यूज़ कर सकते हो, 3200 MHz वाली रैम लगा लेना। वहीं DDR5 वाला मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हो या फिर DDR5 पे आपको जाना है फ्यूचर में अपग्रेड्स करने हैं, तो आप DDR5 वाला रैम भी ले सकते हो जो कि थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं। एंड ये वाला जो CPU वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग CPU, अंडर 10,400-500 रुपये आपके बच भी जाएंगे। वहीं कार्ड वार्ड का यूज़ करके आप इसको और भी सस्ते में परचेस कर सकते हो अगर आपको खाली गेमिंग करनी है एकदम नेक्स्ट लेवल पे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा FPS चाहिए। इसके साथ आए बढ़िया सा यार RTX वाला ग्राफिक कार्ड लगा लेना, RTX 3050 तक, एंड उसके बाद यार मस्त गेमिंग का लुत्फ उठाओ, मजा आ जाएंगे। या फिर आप इसके साथ AMD में ले सकते हो RX 6600, जो कि अभी आप लोगों को ओनली 24,000 में मिल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक कार्ड है। सो इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले CPU की तरफ, जो कि हमारा इंटेल की तरफ से उनका 10400F। ये वाला CPU उन लोगों के लिए है जो कि एक इंटेल के फैन बॉय है, एंड साथ ही साथ में आपको एक ऑलराउंडर CPU चाहिए था, आप उन महान व्यक्ति में से एक हो, तब आप इसको कंसिडर कर सकते हो। 6 cores 12 threads देखने मिल जाता है, साथ ही साथ में 10th generation का i5 CPU है। एंड इसमें अच्छी बात यह है कि भाई इसके कुछ मतलब प्रोस भी है, जैसे कि इंटेल का जो 10th generation है ना, उसके आपको मदरबोर्ड जो मिलते हैं देखने वो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, बट वहीं पे कुछ कॉन्स भी है, जैसे कि यहाँ पे ये वाले जो CPUs है हायर फ्रीक्वेंसी वाली रैम को सपोर्ट नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू इंटेल के i3 12th generation या 11th generation की बात करो तो। बट उसके हिसाब से प्राइसेस भी काफ़ी कम है, इस वाले CPU को भी आप अराउंड 10,000 के आसपास परचेस कर सकते हो, जो कि इसको बना देता है एक ऑलराउंडर CPU अंडर 10,000 rupees। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। इसके साथ आप गेमिंग, एडिटिंग एंड स्ट्रीमिंग आराम से कर पाओगे एक बढ़िया सा ग्राफिक कार्ड पेयर करके। मदरबोर्ड की बात करें तो भाई 10100F एंड 10400F इनके साथ अगर आप चीपेस्ट कोई मदरबोर्ड ढूंढ रहे थे तो आप एक H410 चिपसेट ले सकते हो, जो कि आपको MSI ASUS में मिल जाएगा आराम से 5000 के आसपास, जो कि काफी सस्ते मदरबोर्ड है। वहीं 1200F के साथ आप लगा सकते हो एक H610 चिपसेट, जो कि आपको मिल जाएगा यार 7000 के आसपास। एंड Ryzen 5 3600 की बात करें तो इसके साथ आप यूज़ कर सकते हो हमारा A320 एकदम बजट में, B450 थोड़ा सा अगर ऊपर जाके ओवरक्लॉकिंग करनी थी तो। तो मैंने यहाँ पे आपको मदरबोर्ड के बारे में ही बता दिया। अब वहीं ग्राफिक कार्ड की बात करें तो बजट कम था, 10100F के साथ अगर आपको खाली गेमिंग करनी थी तो RX 6400 आपके लिए एक बढ़िया चॉइस हो सकती है। वहीं 12100F के साथ मैंने आपको बता दिया RX 6600, एंड यहाँ पे आप 1660 सुपर ले सकते हो। उसके बाद बचा हमारा Ryzen 5 3600। अब Ryzen 5 3600 के साथ आप कोई भी ग्राफिक कार्ड लगा लो यार, RTX 3060 तक कोई इश्यू नहीं आएगा, बॉटलनेक वाला कोई सीन ही नहीं है। अगर कोई यूज्ड में ग्राफिक कार्ड चाहिए तो हमारे पास यहाँ पे काफी सारे ग्राफिक कार्ड यूज्ड वाले भी आ गए हैं, जैसे RX 580 8GB एकदम RMA होके आया है, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में, 1.5 ईयर की वारंटी भी बाकी है, 14,500 में आपको मिल जाएगा, बढ़िया सी परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। उसके बाद हमारे पास है RTX 3070, जो कि खाली 30,000 में आपको मिल रहा है यार, प्राइसेस कम हो गई है। एंड यहाँ पे यूज्ड ग्राफिक कार्ड भी काफी कम प्राइस में मिल रहे हैं, वो भी अंडर वारंटी है भाई, 1.5 ईयर की वारंटी बाकी है। 1660 सुपर भी अवेलेबल है, एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना अगर आपको यूज्ड ग्राफिक कार्ड चाहिए, ये भी हम आपके डोर स्टेप तक यार शिप करवा देंगे। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे हमारे आखिरी CPU की बात करें, यानी 5th CPU की बात करें, तो ये कोई CPU नहीं है, ये है एक APU। अब मैं आखिरी में APU इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि यार हमारे चैनल पे ज़्यादातर बजट गेमर्स हैं, ज़्यादा लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि भाई वो CPU लेने के साथ ही एक ग्राफिक कार्ड ले ले बढ़िया वाला महंगा वाला, क्योंकि ग्राफिक कार्ड महंगे आते हैं स्टिल। तो अगर आप उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति थे, एंड अगर आपको कम बजट में यार गेमिंग PC बनाना था, मतलब 30,000-25,000 का आपका बजट था, एंड आपको एक गेमिंग PC बनाना था जिसपे आप हल्की फुल्की गेमिंग कर सको 1080p पे, तब आप इस APU को कंसिडर कर सकते हो, जो कि है Ryzen 3 3200G। ये आपको मिल रहा है अंडर 10,000 rupees, कार्ड वर्ड यूज करके भाई 9,000 के आसपास परचेस कर सकते हो। एक क्वाड कोर APU है, यहाँ पे आपको Vega 7 देखने मिल जाता है, 16GB की रैम लगा लेना, 8GB की दो रैम लगा लेना, GTA 5 जैसे गेम्स चल जाएंगे, मतलब AAA titles तो भूल जाओ, जो हल्के फुल्के गेम्स थे वो आप खेल सकते हो इसके ऊपर। एंड फ्यूचर में अगर आपके पास पैसे आते हैं तो आप ग्राफिक कार्ड भी पेयर कर सकते हो इसी के साथ। एंड मेरे हिसाब से यार ये इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है बजट गेमर्स को ध्यान में रख के। तो बजट गेमर कौन है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, हमको ही पता चल जाएगा कि यार कितने बजट गेमर है यहाँ पे, हमारे कितने बजट गेमर भाई हमको देखते हैं। बाकी ये था वो हमारा लास्ट APU जिसको आप कंसिडर कर लेना अगर आपका बजट कम था, 20-25-30 हज़ार में PC बनाना था तो इसको ले लेना। बाकी मैंने आपको CPU के साथ मदरबोर्ड एंड GPU भी बता दिया है। तो आपका वाला फेवरेट CPU कौन सा है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वाली वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। कोई भी CPU GPU परचेस करना है सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। एक चीज़ और, यहाँ पे यार सेल चल रहा है अमेजोन के ऊपर, तो सेल में परचेस करोगे तो आपको काफी ज्यादा अच्छी प्राइसेस में मिल जाएगा, रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाएगा। एंड सारे ही पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके परचेस कर लेना। बाकी मैं भी एक मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।